ऐसा होता है ना कि जब हम डॉग्स खरीदने जाते हैं तो बड़े महंगे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, उनके बच्चे हो जाते हैं तो उनको संभालना बड़ा, मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। शिरडी में मैंने यार एक डॉग देखा, बड़ा महंगा था। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि ये 40-50 तक होगा, छोटा सा था। और छोटे साइज वाले, अगर आपको, आपके पास ऐसे डॉग्स हैं और आप जो है उनको डोनेट करना चाहते हो, मतलब मुझे 4 पपीज़ चाहिए, लेकिन यार वो होते हैं ना बड़े बड़े साइज़ वाले, वो नहीं चाहिए मुझे। एक तो क्या करते हैं, दरवाजे में सोते हैं, उठते नहीं जल्दी से, कितना भी उनको हाको भोको वो नहीं उठेंगे। छोटे छोटे साइज़ के होते हैं ना, मैंने तो फादर से बोला है गावरानी, मतलब गाउठी होते हैं ना गाँव के टाइप के कुत्ते, वही ठीक है, किसी को काटते भी नहीं है, झगड़े भी नहीं आते लोगों के, गलती से छूट गया उसका बेल्ट तो वही ठीक है। लेकिन सिरडी में देखा था यार, बड़ा प्यारा पपी था, दिल आ गया। बट मुझे ना वो ज़्यादा बाल वाले कुत्ते पसंद नहीं है, मैं खुद का नहीं कर सकती, कब उनको कंघी करूँगी और कब उनका सब करूँगी। तो छोटे छोटे ठीक है, खिलाने में भी ठीक है, बहुत बड़े साइज लाएंगे दिन, जिंदगी पूरी उनको खाना बना के खिलाने में पूरा दिन चला जाएगा। मीडियम साइज के ठीक है यार, किसी के पास पपी हो तो मुझे बता दो, मैं अडॉप्ट कर लूँगी। आए बहुत क्यूट पपी होने चाहिए, सुंदर सुंदर पपी होने चाहिए, किसी के पास है तो बोल दो, फोटो बिटो भेज दो, रेलवे में डाल के भेज दो, मैं रिसीव कर लूँगी। ओके तो अगर कोई अपने पपीज़ को डोनेट करना चाहता है तो मुझे बता दो, मुझे बहुत ही सुंदर टाइप के फ्री में चाहिए। ओके तो किसी को देना है तो दे सकता है।